मध्य प्रदेश के खरगोन के गोगावा में भारतीय किसान संघ ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ऋण माफी योजना में पात्र किसानों के 2 लाख रुपए सह समितियों में डाले जाएं। किसानों को वर्तमान में खाद एवं नगद शीघ्र दिया जाना चाहिए। ऐसी अनेकों समस्याओं को लेकर किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम लिखते था और किस पद पे? राधेश्याम सोलंकी, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष गोगावा। अगला कदम मजबूर होकर के हमें बृहद आंदोलन की तैयारी करके तहसील मुख्यालय का घेराव करना पड़ेगा। आज भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत किसानों के द्वारा माननीय श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन्होंने निम्न मांगे रखी है। कर्ज माफी की मात्र घोषणा है। सभी पात्र किसानों के खातों बैंक सहकारी समिति में 2 लाख रुपये डाले जा रहे हैं। किसानों को वर्तमान फसल हेतु खाद एवं नगद शीघ्र दिया जा रहा है। इस प्रकार की इनकी विभिन्न मांगे, कुल 13 प्रकार की विभिन्न मांगे इनके द्वारा के संबंध में ज्ञापन दिया गया। क्या नाम लिखते सर, किस पद पे? मैं नायब तहसीलदार गोगावा।